तो व्यवसाय की बात करूं तो जो व्यवसायिक वाले लोग हैं नंबर एक के, जो भी बिजनेसमैन है वो मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो, उन सबके लिए जो व्यवसाय करते हैं बिजनेस में है, छोटी सी छोटी शॉप करते हैं, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री है प्रोडक्शन हब है, उनके लिए जनवरी से मई तक का समय थोड़ा ठंडा जाएगा। उनको प्रोडक्शन में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उनको ग्रोथ में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। थोड़ा पीड़ादायक थोड़ा कष्टदायक रहने वाला है जनवरी से मई का महीना। मई से अगस्त तक वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों में सफलता अर्जित कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट नई मशीनरी या नई अपडेशन कर सकते हैं, नई एम्प्लॉयज नई टीम रख सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है इसलिए। उसके बाद बात करता हूँ मैं जो बिजनेसमैन के लिए अगस्त से दिसंबर तक का टाइम चलने वाला है। अगस्त से दिसंबर तक का टाइम उथल पुथल के साथ चलेगा, परिवार में कलेश हो सकते हैं जो बिजनेसमैन है, अगर कोई फैमिली ही बिजनेस में है, भाई या पिता बेटा या तीन भाई एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें झगड़ा होने की या उसको संबंध टूटने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप नई फर्म शुरू करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा।